गाइस, कैसे आप सभी? मैं ओम प्रकाश यादव, आप सभी का स्वागत करता हूँ लाइट हाउस प्रोजेक्ट से। और आज देखिए 2 दिसंबर है, तो आज लाइट हाउस प्रोजेक्ट पे क्या एक्टिविटी चल रही है, क्या प्रोग्रेस है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल आपको हम जानकारी देते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये आज अभी जो है स्टेयर केस की कास्टिंग हुई है। ये ब्लॉक ए है, ब्लॉक A2 में ये स्टेयर केस की कास्टिंग हुई है। देखिए, जिसका ये राइजर 150 का है और जिसका जो है ट्रेड 300 का है। जैसे आपको दिख पा रहा होगा कि काफ़ी कंफर्टेबल है ये, आपको इस पे चलने में बिल्कुल भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल ही कंफर्टेबल है। तो इसका कास्टिंग हुआ है और साथ में ही आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सामने है लिफ्ट, लिफ्ट का कास्टिंग कल हुआ था, लिफ्ट वॉल का। और अभी देखिए, इस पे क्यूरिंग का काम चल रहा है, अभी इस पे क्यूरिंग हो रहा है क्योंकि कास्टिंग इसका हुआ था, तो इसलिए इसका क्यूरिंग किया जा रहा है। ऊपर में पानी डाला जाएगा और ये नीचे का तो काफ़ी टाइम हो गया है कास्टिंग किए हुए। तो ये है ब्लॉक A1 का एक्टिविटी, बाकी आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये ब्लॉक A2 है जिसके लिफ्ट की क्यूरिंग हो रही है, और सामने ही ये स्टेयर केस है। आपको दिखा दें हम कि ब्लॉक A2 जो है, ये देखिए, ये ब्लॉक A2 है। ये जहाँ तक कॉलम और बीम अभी नहीं खड़े हो रहे, ये ब्लॉक A2 है। अभी इसके बीम और कॉलम के मटेरियल नहीं आए हैं, इसलिए अभी इसकी फिक्सिंग नहीं हो पा रही है। और सामने जो आपको दिख रहा है, जहाँ पे कॉलम्स खड़े हो रहे हैं, ये ब्लॉक A1 है। चलते हैं, उसकी भी एक्टिविटी आपको हम दिखाते हैं। और यहाँ पे अभी ये देख सकते हैं, ये देखिए एंकर बोल्ट्स जो हैं, इनको प्री कास्ट कर दिए हैं कंक्रीट कॉलम के अंदर में, जिससे कि इसमें हम लोग जो कॉलम है उनको इसमें हम लोग फिक्स कर सकें। तो चलते हैं आगे, ले चलते हैं आपको। ये आप देख रहे हैं, ये ब्लॉक B है, इसमें प्लेट को बेल्ड किया जा रहा है। जिस तरीके से आप ये सामने देख पा रहे हैं, प्लेट लगा हुआ है, उसी तरीके से इस प्लेट को बेल्ड किया जा रहा है, जिससे कि जो इधर आने वाली बीम है उसको इसमें बेल्ड कर दिया जाएगा। जब एक कास्ट हो जाएगा, कास्टिंग के बाद में इस प्लेट में जो हमारा बीम होगा उसको एडजस्ट। और ये आप देख पा रहे हैं, बोल्ट्स हैं, इसको वायरिंग कर दिया गया है जिससे कि इसमें कोरोजन ना हो, और इसके बाद में फिर इसको पार्फिलिंग करके इस पर कॉलम्स को खड़ा कर दिया जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो बीम के मटेरियल हैं उनको स्टोर किया जाएगा और फिर इसको यहाँ पे ऊपर लगाया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारे मटेरियल स्टोर हो गए, फिर इसको यहाँ पे लगाया जाएगा। इसको देखिए, यहाँ पे जो है ग्राउटिंग कर दिया गया है कॉलम का, इसके नीचे जो भी स्पेस खाली था उसको फिल कर दिया गया है ग्राउटिंग करके। अब इसको जो है ग्रेड स्लैब की कास्टिंग होनी है, तो अभी ये इसकी क्यूरिंग हो गई, स्टेल कुछ करने होगा उसके बाद में ग्रेड स्लैब क्यूरिंग होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो प्लेट बिल्ड कर दी जाती है उसमें किस तरीके से इसमें बीम को बिल्ड कर दिया जाता है, जिससे ये आप आराम से इसे रेस्ट कर लेता है। जैसे अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इसीलिए प्लेट को जो है इसमें बेल्ड कर दिया जाता है और फिर उसकी कास्टिंग हो जाती है, उसके बाद इसको रोक दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभी क्रेन से बीम को कैसे तरीके से जो है पोजीशन पे ले जाया जा रहा है और वहाँ पे अभी फिक्स किया जाएगा। तो ये भी देखिए, यहाँ पे इसको फिक्स करना है, यहाँ पे इसको ले जाया जा रहा है। और अभी ये फिफ्थ और सिक्स फ्लोर के लिए कॉलम और बीम लग रहे हैं, 4 फ्लोर के लिए आप सामने देख रहे हैं लग चुका है पूरा।
तो किस तरीके से यहाँ काम हो रहा है, किस तरीके से एक्टिविटी चल रही है, सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको देते रहेंगे इस चैनल पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें। फिर चलते हैं आगे आपको।